जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में पंचकुला स्थित अमरावती एनक्लेव के शहीद मेजर अनुसूद की सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। सेना के जवानों ने राइफल्स झुकाकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जवानों ने जीएस सांगा ने मेजर अनुज सुद पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर सेना की ओर से नमन किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के राज्यपाल, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सहित चंडीगढ़ व पंचकुला के कई प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, पश्चिमी कमांड के ब्रिगेडियर टीएस मुंडी ने भी शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। शहीद की अंतिम यात्रा में काफ़ी संख्या में बड़ी हस्तियां पार्थिव देह के दर्शन के लिए पहुंची। वहां मौजूद सभी ने मेजर सुद अमर रहे के गगनभेदी नारे भी लगाए। सेना के जवान ने जब शहीद की पत्नी आकृति सिंह को तिरंगा सौंपा तो पूरा माहौल भावुक हो उठा। इससे पहले सुबह 8:30 बजे शहीद मेजर सुद के पार्थिव देह को अमरावती स्थित एनक्लेव में लोगों के दर्शनार्थ ले जाया गया। उस दौरान लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।